2008 में जब सबसे पहले आईफोन इंडिया में आया था तो उसके 50,000 यूनिट थे। पिछले साल 70 लाख से भी ज्यादा आईफोन एक साल में बिके। There's a huge Apple community in India. iPhone is their most aspirational phone. CEO Tim Cook actually traveled to India as a key market for the future. We're trying to bring our best to India. 2020 में टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था Redmi 9A 10,000 के नीचे वाला स्मार्टफोन। अब 2023 में टॉप सेलिंग स्मार्टफोन एक 65,000 रुपए का iPhone 13 है। आप लोगों को लग रहा है भाई एकदम से 2-3 साल में कैसे एकदम से लोग अमीर बन गए, या फिर एप्पल ने अपना पूरा षड्यंत्र रख के एक स्ट्रेटजी बनाई थी। अब सारा असली सच आज निकालेंगे। क्या हाल चाल है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा भाई किडनी वाले जोक मारे जाते थे आईफोन को लेके, और लोग 5-5 साल तक इकट्ठा करते थे पैसे ताकि चमकता एप्पल का लोगो देख पाए। वो अपनी मम्मी पापा भाई बहन किसी से आगे पूछा मेरे को भाई 6,500 रुपए का फोन लेना। सब पहला वो होता है की भाई महंगा कौन लेता है, हालत टाइट हो जाती। सीन है की हमको वैल्यू पता है, हमको पता है किस चीज का कितना पैसा देना चाहिए। July 5, 2019 मैंने लिया था अपना पहला आईफोन टेनिस मैक्स। तो आ गए हैं भाई स्टोर में और हम थोड़े बहुत सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं 8 साल से एंड्रॉइड यूज कर रहा था और एंड्रॉइड बड़ी स्क्रीन आती, सारी चीजें मस्त थी, बट भाई आईफोन ने पहली बार बड़ी स्क्रीन निकाली तो भाई मेरे को लगा कि अब भाई इसको ट्राई करना पड़ेगा। उस टाइम में भाई के पास थोड़े से पैसे भी आ गए थे, बट जैसे ही मैंने जाके अपने घर वालों को दिखाया भाई उन सबके कान खड़े हो गए। मैं भाई इतना महंगा फोन, वो मेरी लाइफ का सबसे महंगा फोन था उस टाइम का। हर बंदा चौंक गया था कि 1 लाख के ऊपर का फोन भी हो सकता है। और मुझे लगता है भाई यही शौक हर इंडियन यूजर को मिला हो। इंडिया से आप दुबई होके आते एंड दुबई से वापस आ जाते तो भी आईफोन ज्यादा सस्ता पड़ रहा था भाई आपको, तो इसीलिए मैंने भी यूएसए जाके लिया था। बट इंडिया में जिस भी बंदे का मन था लेने का वो तो ये देखेगा ना भाई दुबई की ट्रिप भी मार गया और अपना भाई चिल भी करके आऊंगा 2-3 दिन, वो भी तब भी ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा आईफोन, तो भाई किसी ने लिया ही नहीं। तो इसीलिए मेरे को लगता है इंडिया के ज्यादातर लोगों ने उनको पसंद नहीं आया। तो भाई ये तो थी मेरी स्टोरी, बट एप्पल इंडिया में इतना ज्यादा कैसे बिकने लगा उसकी स्टोरी हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जब एप्पल ने वैसे एंट्री ली थी स्मार्टफोन के साथ, तब इंडिया में स्मार्टफोन पता ही नहीं था लोगों को क्या होता है। उस टाइम पे नोकिया चल रहा, उन्होंने सोचा भाई एकदम से बिकने चालू हो जाएंगे, बट नहीं बिके। काफी लोगों को लगता है एप्पल ऑडियंस के हिसाब से बिल्कुल चेंज होता ही नहीं है, चाहे ऑडियंस का कितना भी फीडबैक हो, चाहे कितना भी लोगों ने बोला हो कि भाई हेडफोन जैक वापस ले, नहीं है हेडफोन जैक वापस। पंचोल अंचोल नॉच वॉच सब आके ऊपर उठ के कैमरे सब खत्म हो गए, एप्पल की नॉच सबसे बाद में। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो एप्पल ने भी अपना पूरा बता रखा था कि भाई हम चेंज होने वाले नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं। अब इंडिया पूरे देश को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एप्पल बदलने के लिए रेडी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन जीता? मैं बताता हूँ, बेसिकली हुआ क्या कि फाइट ट्राई करी। Let's talk about Apple and its troubles in India. It's flat year over year after rapid growth. 2015 में 18 लाख आईफोन बिके, उसके नेक्स्ट साल अपने 2016 में 25 बिके, 2017 में भी ठीक ठाक बिके, बट फिर 2018 में एप्पल ले गया अपना नया चमकता हुआ आईफोन 10। 9 स्किप कर दिया क्योंकि मैथ्स, अमीर लोगों की मैथ्स अच्छी होती है मैं बता रहा हूँ। और मैथ की बात कर रहे हैं तो एप्पल ने थोड़ी सी मैथ सीखी, 1 लाख रुपए का निकाला। मैं भाई मेरी हालत टाइट हो गई थी, 1 लाख रुपए का फोन कौन खरीदेगा, अब तो भाई 1 लाख के थोड़े कॉमन हो गए। उस टाइम पे 1 लाख झटका लग गया, नैनो आ रही थी उस टाइम पे भाई, फिर झटका एप्पल को लगा कि उन्होंने क्या चमकदार आईफोन बनाया भाई, मजा आ जाएगा लोगों को लेके, सब लेके बावले हो जाएंगे वो। बट एप्पल को गलत था, हम सब ने फिर से नमस्ते कर दिया और ऐसा सेल हो गई डाउन। 2017 में 32 लाख थे, सेल हाफ हो गई एप्पल एक साल के अंदर। होता है ना एक लाइन है 3 इडियट्स में कि हमको दुख तब नहीं होता है जब हमारे मार्क्स कम है, दुख ज्यादा तब होता है जब भाई अपने दोस्त के ज्यादा आ जाए। तो सेम टू सेम भाई आईफोन में भी अपना दुख ये नहीं था कि हमको महंगा मिल रहा है, दुख ये था कि बाकियों को सस्ता मिल रहा है यार, हम क्यों लें भाई। मैं फ्लाइट लेके दुबई से खरीद के लाऊं वो ज्यादा सस्ता पड़ रहा था यार। इस समय के बाद एप्पल को समझ में आया कि देखो मार्केट तो इंडिया बड़ी और एप्पल को अगर ग्रो करना है तो इंडिया में आगे भाई तबाही मचानी पड़ेगी, और इसीलिए एप्पल ने सोचा भाई अब स्ट्रेटजी अब बदलने का टाइम आ गया। उस टाइम डिसाइड कर लिया एप्पल ने कि भाई ये फाइट हम जीत नहीं पाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि काफी सारी स्ट्रेटजीज बिल्ड करी और एप्पल ने काफी सारे चेंजेस करे, जिसके बाद आईफोन अब भाई ऑलमोस्ट सारे बंदे ले रहे हैं। अपना पर्सनल ओपिनियन हुआ क्या, हुआ एप्पल के 4-5 लोग हैं उन्होंने जाके ना इंडिया घुमा हो, जैसलमेर गए होंगे, उसका तो गोवा में चिल विल करा होगा, चांदनी चौक, उन्होंने देखो भाई क्यों नहीं खरीद रहे हैं आप आईफोन में, क्या दिक्कत होगी हमारे फोन, उनको डाउट होने लगा।
तो बेसिकली इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट बूम कर रहा था 2018-19 में। हर बंदा भाई स्मार्टफोन खरीदा था, एप्पल को मिस हो रहा था, कुछ दिल में दर्द हो रही होगी। तो एप्पल ने फाइनली डिसाइड करा कि अब तो बदलने का टाइम आ गया और अलग अलग ऐसी चीजें डिसाइड करी, ये सब बदलेंगे। इंडियंस को वैल्यू चाहिए, उनको भाई कम प्राइस में बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए। हमको अगर भाई 20 लाख की चीज आप 1 लाख में ला के दे दो, मैं भाई एकदम पैसे मार दूंगा। बट अगर आप भाई 80,000 रुपए की चीज मेरे को 90,000 रुपए में देने की कोशिश करो, मैं नहीं लूंगा। तो भाई बेसिक एप्पल ने भी वो चीज समझी कि भाई इंडियंस को थोड़ा वैल्यू सेंट्रिक चाहिए। वो ऐसे ही फोन्स लेके आए जिनमें परफॉर्मेंस बढ़िया है और उसको थोड़ा सा रीपैकेज करके आईफोन XR आया था, आईफोन SE सीरीज आई थी, और ये एशियन और इंडियन मार्केट को स्पेसिफिकली टारगेट करके बनाई गई थी। इंडिया एप्पल का 4th largest मार्केट बन चुका है। इन्होंने एक साल में 260% से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा था 2020 के अंदर। इंडिया में एवरेज सैलरी 30,000 रुपए के अराउंड होती है एंड 1-1 लाख रुपए के स्मार्टफोन्स खरीदना भाई इज लाइक 3 महीने की मेहनत एक फोन में लगाना। 2019 में जहां एप्पल का प्रॉफिट 260 करोड़ के अराउंड था, वो 2020 में 926 करोड़ हो गया था एंड 2021 में 1200 करोड़ के भी ऊपर। एप्पल ने भी थोड़ी चीजें करी अपनी साइड से और इंडिया ने भी। मेड इन इंडिया से आईफोन्स को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला। जब आईफोन्स दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट होते थे तो उनपे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती थी, जिससे 20-20% से फोन्स महंगे हो जाते थे। 80,000 के फोन्स पे 20% का टैक्स लगा तो अराउंड 1 लाख प्राइस पहुंच गया। 2017 में आईफोन्स इंडिया में बनने लगे तो ये इंपोर्ट ड्यूटी का चक्कर भाई एकदम खत्म। इंडिया में 70% लोग आईफोन्स EMI पे लेते हैं। EMI पे लोग सोना लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं एंड आईफोन को भी भाई उसी के समान माना जाता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केट में आईफोन्स की रीसेल वैल्यू भी ज्यादा है एंड ज्यादा टाइम चलते भी। काफी लोग अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेटस सिंबल के लिए भी आईफोन खरीदते हैं। काफी लोगों को लगता है भाई शो ऑफ हो जाएगा, इससे आईफोन है तो सक्सेसफुल दिखेंगे। एप्पल की इंडिया में डिमांड हमेशा से ही थी, हमेशा एक एस्पिरेशन था सबको एप्पल का लोगो शो ऑफ करना था। एप्पल को भी बात पता थी कि भाई इंडिया में लोग खरीदेंगे अगर प्राइस सस्ता हो जाए, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं करता, इसीलिए ना एप्पल ने EMI लगाया। लेकिन एक बार सबने आईफोन खरीद लिया तो एप्पल का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट साल खरीदते रहे तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हर बंदा जब हर साल आईफोन खरीदेगा तभी एप्पल ग्रो करेगी। लेकिन 1 लाख रुपए का आईफोन, 3 महीने की सैलरी, बंदा हर साल कैसे देगा? एंड इसीलिए एप्पल ने करी काफी सारी खुराफात। एप्पल ने एक फोमो क्रिएट किया अपने इवेंट से, सोशल मीडिया से। हर बार जब आईफोन का लॉन्च होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स और पुराने वाले से बहुत अलग दिखाया जाता है। जस्ट एक साल पहले आईफोन को ऐसा लगता है उसको ओवरटेक कर लिया भाई, और एप्पल काफी लुभावने ट्रेड इन ऑफर लगा था। ट्रेड इन मतलब अपना पुराना फोन दो, नया फोन ले लो, पुराने फोन के पैसे मिल जाए। वाह क्या स्कीम है। फॉरेन कंट्रीज में ये फीचर बहुत टाइम से अवेलेबल था, बट इंडिया में 2020 में कर। आपको लग रहा हो पुराने फोन का क्या करता है एप्पल? एप्पल के अंदर एक भाई डेजी करके एक मशीन है, उसके अंदर भाई अलग अलग हाथ हैं, अलग अलग चीजें हैं, और वो एप्पल के फोन्स के पार्ट्स को रीयूज करने में हेल्प करती है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बट इसका एप्पल दबा के यूज करता है। इंडियंस जब महंगे में नहीं खरीदते, उसके बाद एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एप्पल ने अपने प्लांट लगाए इंडिया में, ताकि जो फोन बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था, अगर वो पार्ट्स इम्पोर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे असेंबल करा जा रहा है फोन, तो उसकी प्राइस एप्पल को काफी ज्यादा कम पड़ती थी। तो जब पहले इंडिया में प्लांट लगाया तो पुराने आईफोन्स, भाई आईफोन SE, आईफोन 11, आईफोन XR, ये सारे इंडिया में असेंबल हो रहे थे, क्योंकि इंडिया में यही सारे स्मार्टफोन बिक रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे एप्पल ने अपना आईफोन 12 भी इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट करा, और उसके साथ एक और चीज एप्पल ने क्रैक कर ली, वो है त्योहार। देखो हम सबको होली दिवाली मजा आता है। एप्पल को समझ में आ गया कि लोगों ना सेल बहुत पसंद है, सेल पे त्योहारों पे लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, और इसका फायदा कंपनीज बहुत ज्यादा उठाती हैं। नॉर्मल आईफोन 14 आपको मिलता है 80,000 रुपए का, पर भाई फेस्टिव ऑफर में मिलेगा 66,000 रुपीज का। आईफोन 12 भाई 40-50,000 के बीच का मिल जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा एकदम से कैसे जादू हो गया, पहले क्यों नहीं सेल लगा रहा था एप्पल? मैं इसका आपको सीक्रेट बता, जितने भी आईफोन्स हैं जिनपे सेल लगी है आप नोटिस करना, वो सारे इंडिया में असेंबल हो। तो आईफोन 11, XR, SE, 12, 13, 14 अब तो सारे ही आईफोन्स इंडिया में असेंबल होने शुरू हो गए, और इतने ज्यादा असेंबल होने लगे हैं कि भाई बाहर भी इंडिया के जा रहे हैं। चाइना वाइना में भी काफी सारे लोग हैं जो आईफोन खरीद रहे हैं, भाई ये असेंबल्ड इन इंडिया लिखा। तो बेसिकली 2018-19 में आपको याद होगा सेल गिर के 18 लाख तक चली गई, 2020 में हुई 25 लाख वापस, और उसके नेक्स्ट साल 2021 में 60 लाख आईफोन्स बिके थे,
और अब तो भाई 70-70 लाख आईफोन बिक रहे हैं भाई सालों साल, और एकदम प्रीमियम आईफोन 60-60 हजार रुपए के। रीसेल वैल्यू आईफोन में डेफिनेटली भाई टॉप पे। सार्थक हमारी टीम से एक पर्सन है, उन्होंने आईफोन 13 लिया था सेल में 50 हजार रुपए, उसने एक साल दबा के यूज करा, एंड अभी अगर वो बेचने जाए तो सेम आईफोन बिक रहा है 40 हजार रुपए। भाई ये वाला फोन आईफोन 13 है, मैंने पिछले साल लिया था बिग बिलियन डेज पे 48 का, और अगर मैं बेच के देखूं तो देखते कितने आ जाएगा। आईफोन 13 128 GB, ये 15 होने के बाद कम हो गया, एक महीने पहले देखा था मैंने तो 42-43 का दिखा रहा था, अब भी एक साल बाद बस 10 हजार कम में बिक रहा है तो तगड़ा है भाई। अभी रिसेंटली स्टोर्स भी खुले हैं, स्टोर्स भी काफी पहले से प्लान थे, आईक्रेस्ट, इमेजिन, ये जितने भी स्टोर्स हैं ये सारे स्टोर्स भाई इंडिया वाइड सारे खोले गए ताकि ऑफलाइन में प्रेजेंस आ जाए। उसके बाद काफी सारे टाई अप्स करे जियो के साथ, एयरटेल के साथ, उसके बाद एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर एक्टिव करा। तो हाँ भाई, अगर आप डेटा भी उठा के देखोगे तो इंडिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 4 फोन चारों आईफोन है। तो अगर मैं एकदम सीधा सीधा बताऊं भाई, ज्यादातर कंपनियों को लगता था भाई इंडियन लोग पैसा खर्चते नहीं है, बट एक गलत लगता था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चने का, बट बस उस चीज के लिए जो चीज सही प्राइस पे मिले। तो मैं बस आपको बताने जाता हूं भाई, हमारे अंदर बहुत पावर है। इस टाइम पे इंडिया सबसे ज्यादा बड़ी ग्रोइंग मार्केट है हर चीज में, चाहे भाई कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, इंडिया काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें बिल्ड कर रहा है, और साथ साथ बड़ी बड़ी जो कंपनीज है भाई, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जितनी बड़ी कंपनीज है सारी इंडिया में आके अपना भाई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है। वैसे देखता हूँ कब से लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, बट धंधा करने के लिए ये वाली जगह बहुत प्यारी है, और जिस हिसाब से चीज़ें ग्रो हो रही हैं, जिस हिसाब से चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को भाई ये कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, हम भाई बहुत कनेक्ट हो गए। और भाई यही था इस वाली वीडियो के, होपफुली आपको अच्छा लगा। चलो बाय, लव यू।